विपेंद्र कुमार है, मैं यहाँ सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था 2016 में हुआ था, अक्टूबर 2016 में, जिसमें मेरा पैर जो था टिबुला और फिबुला पूरी तरह से फ्रैक्चर था और वेंस आर्टरी सब पूरी तरह से डैमेज था। तो वहाँ ऑपरेशन तो हुआ नर्मदा हॉस्पिटल में, लेकिन एक साल तक ऑपरेशन के बाद भी एक साल तक फिक्सेटर लगा था उसमें, वहाँ जॉइंट नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी जगह वहीं भोपाल में दूसरी जगह एक और डॉक्टर हैं उनके पास गया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने जॉइंट तो किया लेकिन थोड़ा सा वो बेंड हो गया पैर। तो उसके बाद से फिर 2017 में 2018 से फिर मैंने मतलब चलना स्टार्ट किया, दो साल के बेड रेस्ट के बाद चलना स्टार्ट किया। अभी क्या हुआ, लास्ट दिसंबर 2021 में 25 दिसंबर के आसपास पैर में बहुत ज़्यादा पेन हुआ और चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो आंध्र प्रदेश में थे, चेन्नई में भी थे, केरला में भी थे, तो मुझे पता चला जर्मन टेन हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर मीर जवाद सर के बारे में, कि इनका काफ़ी अच्छा है और टेक्नोलॉजी है काफ़ी, इनके हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा सर्जरी करते हैं और यहाँ से जो अनसक्सेस ऑपरेशन जो पहले का अनसक्सेस है उसमें भी ये सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, मतलब 100% है। कोई भी यहाँ आता है तो वो ठीक होकर ही जाता है। मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद जो पहले उन्होंने पहले बता दिया था कि ये प्रॉब्लम है काफ़ी, और उसके बाद फिर जो ऑपरेशन के बाद जो एक्सरे दिखाया उन्होंने तो उसमें पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया है मेरा पैर, जो बेंड पहले था वो स्ट्रेट हो चुका है। तो आई थिंक मेरा ऑपरेशन सक्सेस रहा है। अभी तो 10-15 दिन के बाद टाका स्टिच खोलने के बाद और क्लियर पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सक्सेस रहा है। यहाँ जो खासकर डॉक्टर मीर जवाब सर जो हैं तो वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, पहले वो खुद आकर पेशेंट से मिलते हैं, उनका प्रॉब्लम समझते हैं ये क्या है, और पहले बताते हैं कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है, आपको प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑपरेशन के बारे में, पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं कि कैसे ऑपरेशन करना है, वो बताते हैं पेशेंट को कि ऐसे से हम लोग करने वाले हैं, अगर ये हुआ तो सेकेंड ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से वो काफ़ी कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं। यहाँ के जो स्टाफ है, नर्सेज जो वार्ड में जो हैं, वार्ड बॉय या वार्ड अयम्मा यहाँ बोला जाता है, तो वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो आई होप ये अगर मैं अगर जाता हूँ और मुझे रिकमेंड करने को मिलेगा तो मैं वहाँ MP में जितने भी लोग हैं तो उन लोगों को यहाँ आने के लिए ही रिकमेंड करूँगा। German 10, German 10, German 10.